नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये गणित की कार्य पुस्तिका कक्षा 5 की जो पुरानी वाली कार्य पुस्तिका है उसमें अपन चल रहे हैं। इस कार्य पुस्तिका के कार्य पत्रक 6 पेज नंबर 17 पर अपन बातचीत कर रहे हैं। चलिए बातचीत करते हैं। संख्याओं के गुणज को लिख सकें या संख्याओं के गुणज के बारे में इस कार्यपत्रक 6 में अपन को बातचीत करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न है, इससे पहले वाले कार्यपत्रक में अपन ने गुणा की अवधारणा को समझा था, आज अपन गुणज के बारे में या गुणन के बारे में बातचीत करेंगे कि ये किस प्रकार से होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखिए। क्या लिखना है? पहले 5 गुणज। तो 2 का पहला गुणज जो है वो 2 ही है। 2 × 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, ये इनके 5 गुणज हो गए। 12 दूसरा गुणज है, 12 × 2 = 24, 12 × 1 = 6। दूसरा गुणज 12 × 2 = 24, तीसरा गुणज 12 × 3 = 36, चौथा 12 × 4 = 48 और पांचवा गुणज 12 × 5 = 60। ठीक है, 12 का पहला गुणज, 12 का दूसरा गुणज, 12 का तीसरा गुणज, 12 का चौथा गुणज, 12 का पांचवा गुणज है ना, 12 का पांचवा गुणज। 7 के बारे में बातचीत करेंगे। 7 का पहला गुणज 7 ही होता है। 7 का दूसरा गुणज 14, तीसरा गुणज 21, चौथा गुणज 28 और पांचवा गुणज 35, 7 × 5 = 35 है ना। बस पहाड़ा बोलना है आपको, ठीक है, जो पहाड़े में आता जाएगा वो उसका गुणज होता जाएगा। 15 के बारे में बातचीत करें। 15 का पहला गुणज 15 ही होगा, दूसरा गुणज 30, तीसरा गुणज 45, चौथा गुणज 60 और पांचवा गुणज जो है इनका 15 का 75 होता है। तो ये पहाड़े आने चाहिए गुणज के लिए, डायरेक्ट गुणज निकलता जाएगा, बस पहाड़े के फॉर्म में इसको बोलते जाइए। चलिए दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ, दूसरे प्रश्न के बारे में बातचीत करें। उन संख्याओं पर गोला लगाएं जो कि दी गई संख्याओं के समान गुणज हो, दी गई संख्याओं के समान गुणज हो। ठीक है, अब 2 और 3 दोनों के समान गुणज क्या है? ठीक है, 2 के गुणज तो ये सारे के सारे 2, 6, 8, 12, 14, 15 और 18, 2 और 3 के दोनों के समान गुणज होने चाहिए। तो पहला है ये 6, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, ठीक है, 2 × 6 = 12 और 3 × 4 = 12 और देखिए 2 × 18, 2 × 18 और 3 × 18, दोनों का ही भाग जाना चाहिए इसमें। ठीक है, इन इन गुणज को मैंने गोला बना दिया है। अगला देखिए, क के बाद ख वाला, 4 और 5, तो 4 × 8, ठीक है, पर 5 का नहीं जाता, 10 में 4 का नहीं जाता, 10 में 5 का जा रहा है, 15 में 4 का नहीं जाता, 16 में 4 का जाता है तो 5 का नहीं जाता, 4 और 5 दोनों का 20 में जा रहा है। तो ये इसका, इन सब संख्याओं में 20 का गुणज जो है 4 और 5 दोनों ही है। आगे चलिए ग वाले में, 7 और 9 के बारे में बातचीत करें। 7 का गुणज 14 है, ठीक है, 9 का 18 है, पर 9 का 14 नहीं है और 18 का 7 नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 21 7 का है पर 9 का नहीं है, 28 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, ये भी नहीं आएगा, 9 के टेबल में नहीं आएगा। आगे चलिए 7 × 9 = 63, ये 63 जो है ये दोनों के ही टेबल में आते हैं, 7 × 9 = 63 और 9 × 7 = 63 है ना, ये बन जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बन रहा है। ग वाला कंप्लीट हुआ। ठीक है, बड़े ग के बारे में बातचीत करें। 8 और 3 के गुणज, पहले तो इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 8 × 3 = 24, 1 बन जाएगा 48, ठीक है, 24 × 48, फिर इसका 200 करेंगे। चलिए आगे देखिए, 3 का इसमें जा रहा है और 8 × 9 = 72, 1 ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या करेंगे, देखो 8 के टेबल में 24 भी आता है और 3 के टेबल में भी 24 आता है, 8 के टेबल में 48 भी आता है, 3 के टेबल में भी 48 आता है, 3 के पहाड़े में 48 आता है, 8 के पहाड़े में 72 आता है, 3 के पहाड़े में भी 72 आएगा। तो ये इनके समान गुणज हो गए जिनके ऊपर गोला लगाया हुआ है। 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, तीसरे प्रश्न की ओर अपन बढ़ चले। तीसरा प्रश्न है अपना, दी गई संख्याओं के पहले 2 समान गुणज,
दो समान गुणज लिखे, दो समान गुणज लिखे हैं, लिखने हैं अपने को। तो दो और पांच, पहले दो के गुणज लिखे, फिर पांच के गुणज लिखे, फिर इन दोनों के समान गुणज निकाल लो। तो देखो यहाँ पे दो और पांच के बीच में क्या आ रहा है, एक तो दस आ रहा है, तो ये दस, ठीक है, ये दोनों में ही है। और दूसरा क्या आएगा, बीस आएगा, ये भी दोनों में है। तो दो और पांच के पहले दो समान गुणज क्या है, दस और बीस है। ऐसे ही चार और छह के बारे में बात करेंगे, तो चार आठ, टेबल लिख लो, बारह, चार चौक सोलह, चार पंजे बीस, चार छंग चौबीस, चार सातों अट्ठाईस, चार आठों बत्तीस, चार नवा की छत्तीस, चार दस चालीस, ठीक है। ये इसके चार के दस गुणज लिख दिए मैंने। छः एकम छः, छः दुनी बारह, छः तिया अठारह, छः चौक चौबीस, छः पंजे तीस, छः तड़ंग छत्तीस, छः सातों बयालीस, छः आठी अड़चास, छः नौ चौपन, छः दाए साठ। तो स्टार्टिंग दो लिखने हैं, तो पहला तो ये दिख गया मेरे को बारह, इधर भी हो गया है बारह, फिर देखो ये चौबीस और यहाँ पर भी है चौबीस, ठीक है। तो दो लिखने हैं अपने को, बारह और चौबीस, ये लिख दिए, फिर छत्तीस आ जाएगा, है ना। पर अपने को स्टार्टिंग के दो लिखने हैं। चलिए ख वाले, ख वाला कंप्लीट हुआ, ख वाले में बात करें, आठ के गुणज लिखने हैं, तो आठ का दस गुणज लिख देते हैं। आठ, आठ दूना सोलह, आठ दिया चौबीस, आठ चौक बत्तीस, आठ पंजे चालीस, आठ छंग अड़तालीस, आठ सात छप्पन, आठ उठी चौसठ, आठ नौ बहत्तर, आठ दस अस्सी, ये हो गया। बारह, बारह दूना चौबीस, बारह दिया छत्तीस, बारह चौक अड़तालीस, बारह पंजे साठ, बारह छंग बहत्तर, बारी साथी चौरासी, बारी अट्टी छन्नवे, बार नवा एक सौ आठ, बार दह एक सौ बीस। देखो यहाँ पर चौबीस जो है यहाँ पर भी है, चौबीस यहाँ पर भी है, ठीक है, अड़तालीस यहाँ पर भी है, अड़तालीस यहाँ पर भी है। तो स्टार्टिंग के दो गुणज तो अपने को मिल ही गए, तो अब छोड़ दीजिए आगे, चौबीस और अड़तालीस ये स्टार्टिंग के दो गुणज हैं, किसके, आठ और बारह के। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रोल कर लेते हैं। अच्छा, आज का दिनांक लगा लेते हैं अपन, आज का दिनांक है, सबसे पहले लगा लेते हैं 3 मार्च 2021। अब बचे हुए प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। 6 और 9 का सबसे छोटा समान गुणज होगा, पहाड़ा लिख देते हैं। 6 एकम 6, 6 दुनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ऐसे ही 9 का भी लिख दिए। 9 एकम 9, 9 दुनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 9 तिया 27, ठीक है। तो ये दिख गया अपने को यहाँ पर, 18 जो है इनका सबसे छोटा जो है वो गुणज दिख रहा है। 3 और 11 का सबसे बड़े दो अंकीय गुणज लिखें, ठीक है। 3 और 12 के सबसे बड़े दो अंकीय गुणज लिखें, 3 और 11 के, किस किस के, 11 के। तो 11 के अंतिम, 3 का अंतिम क्या होगा, देखो 3 का देखिए 93, 96, 99, ये दो अंकीय सबसे बड़े जो है गुणनखंड इसके होंगे। और 11 का चलेगा तो 11 8 88, 11 9 99, तो यहाँ पर जो है 99 है वो सबसे बड़े दो अंकीय गुणज किसके, 3 के और 11 के होंगे, क्योंकि 99 में दोनों का भाग जाता है। चलिए पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ, छठे प्रश्न के बारे में बातचीत करें। छठे प्रश्न के बारे में बातचीत करें, 7 का गुणा 30 के है, 30 के साथ 7 का गुणा, तो एक जीरो पहले लग रही है, तो जीरो को तो पहले ऐसे ही लगा दीजिए। 7 या 21, ये 210 आंसर मिल गया इसका, ठीक है, क्या कंप्लीट हुआ। ख के बारे में बातचीत करें, 8 चौक 32, 8 का पहाड़ा चार बार, 8 चौक 32, तीन हासिल के, 8 पंजे 40 और 3 43, तो ये आंसर हुआ 432 इसका। आगे चलते हैं फिर से, ठीक है, 5 दूना 10, एक हासिल का, 5 सात 35 और एक 36, इस टाइप से ये कार्यपत्रक 6 कक्षा 5 कार्यपुस्तिका जो कि पुरानी वाली है उसका कार्यपत्रक 6 पेज नंबर 17 पर कंप्लीट हुआ है। इस कार्यपत्रक से संबंधित और कोई भी आपके क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है।
इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।